नमस्कार दोस्तों, मैं इनके एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में लेवल फर्स्ट पत्रता की हम बात कर रहे हैं। उसमें मनोविज्ञान के जो 30 क्वेश्चन आएंगे उसका कंप्लीट सिलेबस इस वीडियो में अपन देखेंगे और नई भर्तियों की सूचनाएं आप लोगों को मिल रही होंगी। निश्चित तौर पर 2 से 3 महीने में हर एक बिंदु पर मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए कि किस विभाग में कितनी वैकेंसी आनी है, फर्स्ट ग्रेड की कितनी है, सेकेंड ग्रेड की कितनी है, रीट कितनी करवाएगा, है ना। ये सारी चीज़ें 2 से 2.5 महीने में आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप तो बस अपने सिलेबस पे अच्छे से काम करो और पत्रता जिनकी क्लियर नहीं है उसको आप सीरियसली लेना, क्योंकि लेवल फर्स्ट की अगर हम चर्चा करें तो महिलाओं के लिए इस बार जो मौका है वो शायद ही आपके आगे वाले टाइम में मिले, क्योंकि 50% आरक्षण महिलाओं को सीधा दे दिया है। इससे अच्छी बात आपके लिए क्या हो सकती है। अब भविष्य में ये रूल रहे या नहीं रहे, लेकिन जब ये बन गया है, इस बार मौका है आपके लिए, तो मेरे ख्याल से आपको बड़ी मेहनत आपको करनी चाहिए। अच्छे से सिलेबस पे काम कीजिए। लेवल फर्स्ट में वैसे भी काफ़ी वैकेंसी आती हैं, तो आराम से हो जाएगा जिनकी मेहनत में दम होगा। तो सबसे पहले देखिए, इसमें कुल आपके 5 यूनिट हैं, टोटल 30 क्वेश्चन आने हैं इस पोर्शन से। हर यूनिट में आप मान के चलिए 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर यूनिट से ही 6 क्वेश्चन आए, किसी में 4 आए तो किसी में 8 भी आ जाते हैं, लेकिन आपको तो हर यूनिट को अच्छे से जो पॉइंट दे रखे हैं सिलेबस का जो पॉइंट है वो नहीं छूटना चाहिए। इर्द गिर्द आप कितना पढ़ते हैं वो आपकी अच्छी बात है, लेकिन सिलेबस में जो पॉइंट लिखा है वो आपके जहन में अच्छे से होना चाहिए। सबसे पहली यूनिट और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है बाल विकास की, जिसमें से आपको ये मान के चलिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट है वृद्धि और विकास की संकल्पना, बहुत अच्छा पॉइंट है और एक प्रश्न हर एग्ज़ाम में आता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो बेसिक पृष्ठभूमि है उससे एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आया है, भविष्य में आएगा। विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, अब ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, विकास के विभिन्न आयाम और विकास के सिद्धांत, विकास के बेसिक सिद्धांत और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, जैसे आपके जीन प्याजे का सिद्धांत है, यूरी ब्रॉनफेनर का सिद्धांत है, नैतिक विकास का सिद्धांत है, एरिक्सन का सिद्धांत है, वाइगोस्की का सिद्धांत है, ये सारे सिद्धांत बड़े इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो इन पर काम करना है बहुत अच्छे से। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये तो बहुत आसान है, और इसमें विशेष रूप से परिवार और विद्यालय के संदर्भ में और अधिगम से उनका क्या रिलेशन है, इससे रिलेटेड आपके एक पॉइंट ये बनता है। और इसके बाद एक यूनिट है आपके वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका, इसमें से आपके एक क्वेश्चन आपका डेफिनेशन का भी बन जाता है। तो ये आपकी यहाँ पे पहली यूनिट कंप्लीट हो जाती है और मेरे ख्याल से 5 से 6 क्वेश्चन मेरे से लिखवा लो कि भाई ये क्वेश्चन जो हैं वो सीधे आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। मैंने जो बताए हैं पॉइंट अच्छे से उनको पढ़िएगा। इसके बाद देखिएगा सेकेंड यूनिट की हम चर्चा करें, तो सेकेंड यूनिट में आपके 3 चैप्टर हैं, जिसमें पहला है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, दूसरा है व्यक्तित्व, तीसरा है आपका बुद्धि। व्यक्तिगत विभिन्नताएं तीनों ही देखे वो आसान चैप्टर हैं, एक बार अच्छे से समझ लिया चैप्टर को एक भी क्वेश्चन गलत होने के चांसेज ही नहीं है। व्यक्तिगत विभिन्नता इसमें इसके अर्थ, इसका प्रकार, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है इसमें व्यक्तित्व, और व्यक्तित्व में आपके व्यक्तित्व की संकल्पना यानी जो बेसिक पृष्ठभूमि है उसके परिभाषाएँ वगैरह हैं, व्यक्तित्व के जो प्रकार बताए हैं, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तित्व का मापन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसको अच्छे से पढ़ना। व्यक्तित्व का मापन, बुद्धि का मापन और व्यक्तित्व का मापन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके। बुद्धि में वही बुद्धि की संकल्पना, किस व्यक्ति ने बुद्धि को लेकर क्या कहा, वो आपके लिए जानना बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। बुद्धि के सिद्धांत बड़े इंपॉर्टेंट है, बिन्ने ने कौन सा सिद्धांत दिया, स्पीयरमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया, गिलफोर्ड ने कौन सा दिया, स्टर्नबर्ग ने कौन सा दिया, है ना, और किस सिद्धांत में क्या बात कही, तो वो चीज़ें। बुद्धि का मापन मैंने जैसे आपको कहा कि व्यक्तित्व और बुद्धि का मापन बड़ा महत्वपूर्ण है, अच्छे से पढ़िएगा। बहुबुद्धि सिद्धांत, हावर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत है वो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसके निहितार्थ, निहितार्थ का मतलब होता है कि जैसे यहाँ से कोई अप्लाइड क्वेश्चन बने तो वो यहाँ से बनाया जा सकता है। इसके बाद जो अगली 3 यूनिट है इसमें भी आपके 3 चैप्टर हैं, जिसमें आपके एक है विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, इसमें आपके पिछड़े बालक हैं, विबंधित बालक हैं, प्रतिभाशाली बालक हैं, सृजनशील बालक हैं, अहल अभान्वित वंचित बालक हैं, अवशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, अधिगम अक्षमता युक्त जो बच्चे हैं, अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ हैं, यानी अधिगम से जुड़ा हुआ चैप्टर है। वैसे आप अधिगम पढ़ेंगे तो इसमें ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब पिछड़े बालक हैं तो पिछड़े बालकों के कारण क्या हैं, कौन से पिछड़े बालक हो सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बने हैं। अधिगम में आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं वो इसमें आपको पढ़नी है। और इसके बाद एक यूनिट है इसमें, एक चैप्टर है आपका समायोजन का, समायोजन की संकल्पना, समायोजन के तरीके और समायोजन में अध्यापक की भूमिका। समायोजन में आप ये मान के चलिए रक्षात्मक युक्तियाँ जो हैं, एक व्यक्ति समायोजन किस प्रकार से करता है, वो आपके लिए इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये यूनिट भी आपकी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको पढ़िएगा। और इसके बाद जो अगली यूनिट है, 4th यूनिट, वो है आपकी अधिगम और अभिप्रेरणा की, लर्निंग और मोटिवेशन की, ये भी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, सबसे इंपॉर्टेंट। इसमें आपका देखिएगा अधिगम का अर्थ,
संकल्पना, यानी अधिगम का जो बेसिक पृष्ठभूमि है, जिसमें आपके डेफिनेशन का भी इसमें क्वेश्चन बनता है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम को किस किस तरह से कौन कौन चीज़ें ऐसी हैं जो प्रभावित करती हैं, परिपक्वता करती है क्या, है ना, वंशानुक्रम करता है क्या, वातावरण करता है क्या, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। अधिगम के सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, इसमें थोंडाइक का भी है, पावलोव का भी है, स्किनर का भी है, रॉबर्ट गिन्ने का भी है, तरह तरह के सिद्धांत है, वो सारे इसमें आपको पढ़ने हैं। इसके निहितार्थ, बच्चे कैसे सीखते हैं अधिगम की प्रक्रियाएं, चिंतन, कल्पना और तर्क। हाँ, यहाँ से भी दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एक से दो क्वेश्चन चिंतन, कल्पना और तर्क, इनमें से आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद देखिएगा अभिप्रेरणा और इसके अधिगम के लिए निहितार्थ। तो यहाँ पे एक मोटिवेशन, यानी अभिप्रेरणा जो है, अभिप्रेरणा चक्र क्या है, अभिप्रेरणा के सिद्धांत वगैरह, ये इसमें आपको पढ़ना है। इसके बाद देखिएगा लास्ट यूनिट्स में, सबसे पहले मैं नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ, एक है इसमें RT 2009 अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व। देखिए ये आपका अध्याय 4 है, अध्याय कौन सा है, 4। RT में जितने अध्याय दे रखे हैं वो सारे आपको नहीं पढ़ने, धारा 12 से लेके 28 तक की धारा ही आपको पढ़नी है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व है, ये आपके अध्याय 4 का नाम है, समझ रहे हो इस बात को। इसके बाद है क्रियात्मक अनुसंधान, जो कोरे ने एक्शन रिसर्च दिया था, एंडरसन ने 7 प्रकार बताए थे, वो यहाँ पे पढ़ने हैं, और यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। और इसके बाद एक क्वेश्चन देखिए, NCF 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, नेशनल स्टेयरिंग कमेटी, इसमें से एक क्वेश्चन आपका आता है, जो इसके सिद्धांत हैं उनमें से क्वेश्चन भी आता है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं और शिक्षण अधिगम की व्यूहरचनाएं, विधियां, और इसी में आपका एक चैप्टर है शिक्षा शास्त्र का, जो हर सब्जेक्ट में आपका कॉमन रहेगा, एक बार अच्छे से पढ़ लिया हर जगह क्वेश्चन सही होगा, जिसमें आपको आंकलन पढ़ना है, मापन पढ़ना है, मूल्यांकन पढ़ना है, इनके अर्थ क्या है, इनकी विधियाँ क्या हैं वगैरह वगैरह, इनसे जुड़े जितने भी तमाम तथ्य हैं वो आपको पढ़ने हैं, इनके उद्देश्य वगैरह, और इसमें समग्र एवं सतत मूल्यांकन CC का जो प्रारूप है वो आपको पढ़ना है, कब लागू हुआ वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। इसके बाद उपलब्धि परीक्षण, यानी जो उपलब्धि परीक्षण है, निष्पत्ति परीक्षण है, जिसका निर्माण किस तरह से होता है, कौन कौन से इसमें उपलब्धि परीक्षण होते हैं वगैरह वगैरह सारी चीज़ें इसमें आपको अच्छे से पढ़नी है। और एक है लर्निंग आउटकम, यानी सीखने का प्रतिफल, आपने जो सीखा है उसका रिजल्ट क्या रहा, है ना, वगैरह, एक अप्लाइड सा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो ये आपका मोटा मोटी सिलेबस मैंने डिस्कस किया है रीट लेवल फर्स्ट के, पात्रता के एग्ज़ाम की मैं चर्चा कर रहा हूँ। वैसे तो ये लेवल 1 और लेवल 2 के लिए बिल्कुल एज इट इज सेम है, फिर भी आप लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से इस बार का जो मौका है वो लड़कियों के लिए तो बहुत शानदार मौका है। 50% आरक्षण का मतलब होता है आधी सीटें आपकी हैं, भविष्य में ये रूल रहे या नहीं रहे, इस अवसर का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए, कड़ी मेहनत करनी चाहिए, जिनकी पात्रता क्लियर नहीं है उनको पात्रता पर ध्यान देना चाहिए। और कुछ यहाँ पे कॉमन पॉइंट दे रखे हैं, मतलब कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कॉमन भी हैं, उनको आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि वो आपके रीट मेंस में भी काम आए। कौन कौन से कॉमन हैं उनकी चर्चा मैं पहले के वीडियोज़ में कर चुका हूँ। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर एक नई चर्चा के साथ आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।